आज इस छोटे से टुकड़े से बनाते हैं शॉर्ट कुर्ते हैं। एक टुकड़ा ये है, दो ये है, और इसी के मैचिंग का मैंने एक ये ले लिया। पीछे के पार्ट में तो हम इसको यूज कर सकते हैं। हमें फ्रंट पार्ट तैयार करना है। ये दो टुकड़े हैं, इसके बीच में ज्वाइंट करने के लिए हमें इस प्लेन फैब्रिक पे डालने हैं पिन टक, इस वाले एरिया से कमर तक कि ये कपड़ा हमारा इतना ही है। यहाँ से ऊपर को हम फीते लगाएंगे अलग से। ये कमर का निशान लगाया और यहाँ पर तक हम मैंने पिन टक्स डाल दिए, कुछ इस तरह से। इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसके बीच में लेस भी जोड़ सकते हो, लेस कुछ इस तरह से चकोर में। वाला एरिया फ्रंट का है, स्ट्रेप लगाएंगे। आपका यहाँ पर से यहाँ तक आ रहा है उसका डबल करोगे, आगे के लिए भी पीछे के लिए भी, ये डबल हो गया। इसको आप बराबर इसी के साथ ज्वाइंट करो, इसको इसके साथ रखोगे, यहाँ पे सिलाई लगा दो। ये आगे ना बराबर से सिल के पलटने के लिए इसी शेप का कपड़ा चाहिए। यहाँ से आर्म हो और सीधा फिर दूसरा आर्म हो, इसको ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर इसको रख देंगे, सिलना शुरू करेंगे। इस तरह के शेप में सिलना है। आर्म होल में कट कट लगाएंगे, इसको पलट देंगे, इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। ये वाला कपड़ा अंदर चले जाएगा हमारा और ये कुछ इस तरह से बाहर आ जाएगा। तैयार हो चुका है। जो ये हमारा कॉर्नर बना हुआ है, इस पॉइंट ये वाला पार्ट जुड़ा देंगे। कपड़ा आगे पीछे दोनों जगह कपड़े से पलटने के बाद आप अपनी फिटिंग रख लोगे। अपनी फिटिंग से एक एक इंच लूज रखोगे, जैसी नॉर्मल कुर्ती की फिटिंग रखते हो वैसे। दोनों साइड की फिटिंग सिलने के बाद अब ये किनारे की सिलाई कर लेंगे। चारों तरफ से सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरह का बना है। अब इसको मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। तो ये है फाइनल लुक, कट पीस के टुकड़े से बने हुए कुर्ते का।